आज मैं आपके साथ साबूदाना पापड़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि सिर्फ 15 मिनट में हम बना के रेडी कर सकते हैं, साल भर स्टोर कर सकते हैं। आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं, बिना धूप के भी बना सकते हैं। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बना है। मेरा हाथ आप देख सकते हैं पीछे से। और इसको अलग अलग तरीके से कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हाई एवरीवन, कुकु दप्पू में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को पूरा देखें, चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप साबूदाना। आप किसी भी कटोरी या फिर कप से नाप के ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप से नाप के लिया है। वजन में देखेंगे लगभग 80 ग्राम साबूदाना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से छोटी साइज़ के मैंने लिया है। आप चाहे तो ये बड़ा वाला जो साबूदाना होता है ना वो भी ले सकते हैं, और बीच का भी एक होता है वो भी ले सकते हैं। इसको 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे और इसके बाद उसी कटोरी से नाप के 2 कप पानी डाल देंगे। जिसमें आपने नापा होगा साबूदाना को उसी में नाप लीजिए। अब हम साबूदाना को रात भर के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 से 3 घंटे या फिर 4 से 5 घंटे भी भिगो के आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम कुक करना पड़ेगा और पानी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ आपको। ये देखिए पूरी रात मैंने छोड़ दिया था, साबूदाना को अच्छे से भीग चुका है। लेकिन आप जो छोटे दाने वाले साबूदाना लेते हैं ना, उसमें आप देखेंगे जितना भी भिगो है तो थोड़ा सा टाइट लगेगा आपको। बड़े दाने वाले जो होते हैं ना वो अच्छे से मैश हो जाते हैं और उनसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनता है साबूदाना पापड़। अगर आपके पास बड़े दाने वाले साबूदाना है तो आप वो ले लें। अब हम सारे साबूदाना और पानी के साथ डाल देंगे किसी हांडी में जिसमें हम पकाएंगे, और उसमें उसी कप से नाप के 4 गुना पानी डालेंगे। जितना हमने साबूदाना लिया था उससे 4 गुना पानी डालना है। अगर आपने सिर्फ 4 से 5 घंटे के लिए भिगोया था तो 1 कप पानी ज़्यादा डालें और थोड़ा ज़्यादा पका लें। अगर आपने 2 से 3 घंटे के लिए भिगोया था तो थोड़ा ज़्यादा पानी और लगेगा और ज़्यादा देर आपको पकाना पड़ेगा। एक चीज़ का ध्यान रखें, जो भी बर्तन आप लेंगे वो थोड़ा मोटे तले का होना चाहिए, भारी होना चाहिए, ताकि साबूदाना नीचे से चिपके नहीं। अब हम इसको गैस पर रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। शुरू में आप इसको छोड़ सकते हैं, बीच बीच में चला सकते हैं, लेकिन जैसे ये गाढ़ा हो जाएगा आपको लगातार चलाना पड़ेगा, नहीं तो नीचे से चिपक जाएगा। पहले आप देखेंगे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फिर साबूदाना जो है ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। इसके बाद ये धीरे धीरे पकेगा तो इसका जो कलर और भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने लगेगा। यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, साथ में ऑल ऑप्शन पर भी क्लिक करते हैं ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए साबूदाना थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। हमें इसे और थोड़ा सा पकाना है जब तक ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ इसकी जो कंसिस्टेंसी कैसा होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि ये 10 से 12 मिनट लगाए पकने के लिए। अगर आप इसको तेज़ फ्लेम पर पकाएंगे जल्दी पक जाएगा तो साबूदाना पापड़ अच्छा नहीं बनेगा। जैसे आप इसको सुखाएंगे तो बीच में क्रैक्स आ जाएंगे। साबूदाना पापड़ बनाना बहुत आसान है। इसमें अगर कभी पानी ज़्यादा या फिर कम हो जाए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कभी लगे कि ज़्यादा पानी है, साबूदाना अच्छे से पक चुका है लेकिन गाढ़ा नहीं हुआ है, तो तेज़ फ्लेम पर आप इसको पका सकते हैं। अगर ज़्यादा गाढ़ा लगे और पका नहीं होगा अच्छे से तो आप इसमें गर्म पानी डाल सकते हैं, उबलता हुआ पानी डाल के इसको और थोड़ा सा पका लेंगे तो सही हो जाएगा। अगर आपको पापड़ में बिल्कुल भी दाना पसंद नहीं है तो आप इसको ज़्यादा देर पका ले, थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के इसका जो दाना है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो आपका पापड़ बिल्कुल प्लेन बनेगा, बिल्कुल भी दाना उसमें नहीं दिखेगा। अगर आपको थोड़ा दानेदार पापड़ चाहिए इस तरह से, तो जैसे इसका दाना थोड़ा सा खुल जाए, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, फ्लेम को तेज कर लीजिए और इसको गाढ़ा कर लीजिए, उसके बाद पापड़ बनाए तो इस तरह से बनेगा। ये देखिए साबूदाना अच्छे से पक चुका है, थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है। इतना ही गाढ़ा हमें इसको रखना है। इसकी जो कंसिस्टेंसी आप यहाँ पर देख लीजिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाएंगे। ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे तो जैसे ये ठंडा होगा, थोड़ा जम जाएगा, तो आप इसको पापड़ नहीं बना पाएंगे, अच्छे से फैलेगा नहीं। यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच नमक डाला है। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक ज़रूर डालें। आप चाहे तो यहाँ पर आधी छोटी चम्मच जीरा डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं और चिली फ्लेक भी डाल सकते हैं, लेकिन नमक और जीरा ज़्यादा अच्छा लगता है इस रेसिपी में। अब हम इसका पापड़ बना लेंगे। पापड़ बनाने के लिए कोई भी मोटा सा प्लास्टिक सेट आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने वॉलपेपर लिया है, इसका ऊपर का हिस्सा बहुत चिकना होता है तो पापड़ आसानी से उड़ जाता है।
साबूदाना का मिक्सचर जब गर्म हो तभी हम इसको फैला लेंगे। ज़्यादा मोटा या फिर ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे। मोटा ज़्यादा बनाएंगे तो इसमें बीच में क्रैक्स आ जाते हैं और सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा पतला बनाएंगे तो बीच में टूट जाता है, जैसे हम इसको उठाते हैं। यहाँ पर आपको जितना बड़ा या फिर छोटा पापड़ चाहिए उस हिसाब से बना लीजिए। इसमें आपको जो दाने दिख रहे हैं सूखने के बाद, ये दाने नहीं रहेंगे और तलने के बाद बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। अगर आपको चाहिए कि बिल्कुल भी दाना ना दिखे, इस तरह से आप इसको ठंडा होने के बाद पीस सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर पीसा था, तो इस तरह से दिखेगा। इसके बाद आप इसको फैला सकते हैं। अगर आपको एक साइज के पापड़ चाहिए तो आप इस तरह से कोई चूड़ी या फिर रिंग रख लीजिए और इसके बीच में डाल दीजिए साबूदाना का मिक्सचर। इस तरह से आपका पापड़ एक ही साइज का बनेगा, जो कि दिखने में अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा छोटा साइज का बनता है, क्योंकि हम चूड़ी से बनाते हैं। हाथों से बनाएंगे तो बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। सारे पापड़ बनाने के बाद आप चाहे तो ऊपर से जीरा, चिली फ्लेक या फिर काली मिर्च का पाउडर इस तरह से डाल सकते हैं, क्योंकि गीला होता है पापड़ तो इसमें चिपक जाता है। इसके बाद हम इसको दो दिन की धूप दिखाएंगे। एक दिन के धूप के बाद देखिए इस तरह से साइड छोड़ने लगा है। अब हम इसको पलट देंगे। अगर आप नहीं पलटेंगे तब भी ये निकल जाता है अपने आप, लेकिन पलटेंगे तो ज़्यादा सीधा बनेगा, नहीं तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। अगर आप बिना धूप के इसको बनाना चाहते हैं, पंखे के नीचे सुखा दीजिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन सूख जाएगा। सूखने के बाद 2 घंटे की धूप जरूर दिखा दीजिए स्टोर करने से पहले, नहीं तो खराब हो जाएगा। अब मैं एक पापड़ आपको तल के दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा बना है। अच्छे से तेल गर्म होना चाहिए और पापड़ अच्छे से सूखा होना चाहिए। थोड़ा सा भी गीला होगा पापड़ या फिर तेल थोड़ा कम गर्म होगा तो अच्छे से फूलेगा नहीं। आज की रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें। साथ में एक लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए और सेफ रहिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो स्क्रीन पर आपको 3 वीडियो के लिंक दिखे होंगे। उनमें से कोई भी वीडियो ज़रूर चेक करें, आपको बहुत पसंद आएगा।